मेरा नाम अजय कुमार, मेरे साथ संस्था के प्रधान श्री अशोक कुमार गुप्ता जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री रविकल सिंह जी, श्री आदि सत्य सेव संस्था पिंगला माता उधमपुर देवक नगरी, सभी शहरवासियों को बहुत बड़ी मुबारक, क्योंकि 14 तारीख को माता पिंगला जी की शोभा यात्रा जो है पूरे शहर में निकाली जा रही है और 16 तारीख को शनिवार माता पिंगला जी की जो है पांडव मंदिर से निकलकर माता के दरबार में जाएगी। प्रोग्राम की जो रूपरेखा है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जो 14 तारीख को सुबह 9 बजे माता जी की अखंड ज्योति पूजा होगी, जिसमें भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा, और उसके बाद 15 तारीख को अखंड ज्योत यहीं पांडव मंदिर में रुकेगी, और 16 तारीख को सुबह यही ज्योत जो है पांडव मंदिर से निकलकर माता पिंगला जी के दरबार में जाएगी। अजय जी, जिस तरह से पहले आप निशुल्क गाड़ियां लेकर जाते थे और लोग भी काफ़ी संख्या में रहते थे, इस बार भी क्या इसी तरह रखा जा रहा है कि निःशुल्क गाड़ियाँ जाएंगी, राय ले लिया जाएगा? रवि जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है कि जब हम उनसे परमिशन लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि हमें सिर्फ उनकी सिक्योरिटी मिलती है, सिक्योरिटी के साथ साथ जो रास्ते में कोई गाड़ी आती है या कोई जाम वगैरह लगता है, हमें वहाँ तक ही सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। जबकि जो आगे संस्था यात्रा लेके जाती है, फ्री बस सेवा लेके जाती थी, लेकिन वो सारी की सारी जिम्मेवारी संस्था की बन जाती थी, जो कि उसमें साफ जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें लिख के दिया होता उसमें साफ लिखा होता था। हमने मैं जितनी बार भी 2007 से हम लगातार ये अखंड ज्योत लेके जा रहे हैं, फ्री बस सेवा लेके जा रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन लोगों में भी हमने एक चीज़ देखी, उनमें अवेयरनेस नहीं है। क्या है कि जो सिस्टम हमने चलाया था लेकिन लोग उसमें खड़े नहीं उतरते हैं। अगर बाइक में मान के चलो आपकी हमने 25 बसें लेके जा रहे हैं, सीरियल बस हमने लगाई थी 1 से लेकर 25 तक लगाई होती है। जब हम उनको टिकट इशू करते हैं कि एक नंबर में आपने 44 सीटें रखी हैं तो 44 ही बंदे बैठेंगे, लेकिन क्या करते हैं लोग आगे चल के गाड़ियों से निकल के छत के ऊपर चढ़ जाते हैं। भगवान न करे, माता रानी न करे, कुछ कोई तल को हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, उसका जिम्मेवार कौन हो गया? संस्था के मेंबर, संस्था जिम्मेवार हो गई। इसलिए हम इतना रिस्क नहीं लेना चाहते। हाँ, अगर जो भी श्रद्धालु इस माता रानी की यात्रा में जाना चाहता है, जो हर साल जाते हैं और जो लगातार उनकी सिस्टम बन चुका है हमारे साथ चलने का, वो ऐसा कर सकते हैं कि अपने मोहल्ले में अपने एक बस कर लें, अपने परिवार के साथ चल लें, अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके शोभा यात्रा जब सुबह यहाँ से निकली वो हमारे साथ चल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो इस बार आपके यात्रा निकाली जाएगी, इसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे? ये बहुत अच्छी बात है, आज हमारे लिए एक बड़े प्रसन्नतापूर्वक, हमें बड़ी खुशी गर्व महसूस करें कि आज के दिन हमारे इस पिंगला माता की अखंड ज्योत की शोभा यात्रा में हमारे स्वामी जी श्री स्वामी दिव्यानंद पुरी जी महाराज, ये हमारे शोभा यात्रा में ऐसे मार्गदर्शन के रूप में चलेंगे, ये पूरी यात्रा इनके मार्गदर्शन में निकलेगी। कहीं ना कहीं देखें तो काफ़ी समस्या रहती है रास्ते में, तो किस तरह के प्रशासन की ओर से आपको सुविधा दी जाती है, पानी बिजली रास्ते को लेकर? इस चीज़ का हमें बहुत खेद है कि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करता है, लेकिन वो कोशिशें सिर्फ फाइलों में इनके दफ्तरों तक ही रह जाती है, वहीं पे सिमट के रह जाती है। यात्री परेशान होता है, वहाँ ना शौचालय की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना रोड की सुविधा है। हर चीज़ से जो एक यात्रा को चलाने का सिस्टम होता है, हर जगह 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 पे हमें हर स्टेप पे हमें परेशानी है। ऐसा नहीं है कि खाना पूर्ति करने के बाद समझो लोग आए हमने यात्रा लेके जा रहे हैं तो आए के वहाँ पे हो जाएगी। इसी कारण हमारे जितने भी यात्रा मंदिर हैं, जो भी हैं, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर ये सभी मूलभूत सुविधाएँ से काफ़ी वंचित हैं, बहुत पीछे हैं। वही कारण है कि यहाँ की टूरिज्म डिपार्टमेंट हो गया या श्राइन बोर्ड हो गया, इनको बड़े हल्के में लेती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अफसर ऑफिसर आए, बहुत अपने नेता भी आए, लेकिन इस ऐसी चीज़ों पे वो गौर नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं उनके आगे बार बार अपील करता हूँ, इस तरफ ध्यान दें ताकि यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। उनको भी हमारे यहाँ पे जितने भी धार्मिक स्थान हैं, जैसे पांडव मंदिर है, रोड की कनेक्टिविटी देखो तो अधूरी है। अगर पांडव मंदिर के देखें, अमराड़ा देवी की तरफ देखें,
हर जगह परेशानी परेशानी है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप हमारे इस जितने भी देवस्थान हैं इनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। शुक्रिया।